नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 20 अप्रैल 2023 गुरुवार का दिन है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष आज स्नान दान अमावस्या तिथि है। नक्षत्र है आज अश्विनी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:47 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 5:47 पे और चंद्रमा की आज स्थिति रहने वाली है। चंद्रमा गोचर कर रहे हैं मेष राशि पे रहेंगे, जो पूरे दिन रात्रि रहेंगे। और आज का जो अशुभ समय होगा तकरीबन होगा शाम, यानी कि 4:02 से लेकर शाम 5:10 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों आज कई बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। आज मिथुन राशि के जातकों चूंकि सूर्यग्रहण भी लगने जा रहा है, साल 2023 का पहला सूर्यग्रहण है और आज अमावस्या तिथि है, सूर्य मेष राशि में रहेंगे, तो आज के दिन यानी कि सुबह प्रातः 7:04 से सूर्यग्रहण प्रारंभ होगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा। हालांकि इसका भारत में असर नहीं दिखाई देगा, ये भारत में दिखाई नहीं देगा, तो आप कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं, कोई कार्य में रुकावट नहीं होगी। लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाएं जरूर सावधानी रखें, चाकू सुई कैंची और कोई भी नुकीली चीज़ें ना छुएं, तो ये जरूर मिथुन राशि को ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि को आज कई बड़े अवसर प्राप्त होंगे, कई बड़े आज आपको लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बता दें कि आज धन में वृद्धि के संकेत मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि को आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा और आज कई प्रकार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी और आज धर्म कर्म के कार्य करेंगे। धन संबंधित जो समस्याएं थी, जो परेशानी थी, उसमें आपको लाभ होगा और आपको इनकम की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मिथुन राशि को आज अपने विरोधियों को पीछे कर देंगे हर मामले में और विरोधियों को मात दे पाएंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी लाभ मिलेगा और बता दें कि आज आवश्यकता से कहीं ज़्यादा आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। कई बड़े अवसर मिलेंगे, कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, जो कार्य अधूरा था, पेंडिंग था, उसमें लाभ होगा। बेरोजगार जातकों को रोजगार की संभावना आज है, आज बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लंबे समय से पेंडिंग काम भी पूरे होंगे। आज कई प्रकार की समस्याएं जो थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी परेशानियां थी जीवन में, वो दूर होती नजर आएगी। तो आज आपके अपने कार्यों में भी सफलताएं मिलेंगी, प्रत्येक कार्य आसानी से बनेगा। जो कार्य नहीं बन पा रहे थे, जो कार्य यानी कि अभी तक अधूरे पड़े थे, उनमें सफलताएं मिलेंगी, प्रत्येक कार्य आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना तो वो कार्य बनेगा। धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। विदेश से धन लाभ हो सकता है, जीवन साथी से आपको धन का लाभ हो सकता है। आज आपको ये कहा जाए तो प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। लंबे समय से अगर किसी काम में परेशान थे, जो कार्य नहीं बन पा रहा था, आज वो बनेगा। और आज बता दें कि जीवन में अचानक से बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। नौकरी के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि आज धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में भी आज आपको यानी कि लाभ हो सकता है। कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर सकते हैं। समाज में आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी और अगर किसी के साथ परिवार में अनबन थी तो वो अनबन दूर होती नजर आएगी। आज आपको बता दें कि पुराने झगड़ों से, पुराने विवादों से निपटारा होते हुए देखेंगे और आज यात्राओं के योग बन रहे हैं। यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा हो सकती है, कार्य क्षेत्र से संबंधित लेकर यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, माता पिता के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा और आज सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र में भी आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग काम भी आसानी से पूरे होंगे, जो कार्य अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो भी कार्य बनेंगे। कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां थी जो अब दूर होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, नए आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी समस्याएं थी, कुछ ऐसी परेशानियां थी जो अब दूर होती नजर आएगी और आज आपकी इनकम में वृद्धि होगी। कई प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्य भी बनेंगे। साथ ही बता दें कि जो तरक्की रुक गई थी, जिसे कोई काम कर तो रहे थे लेकिन उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो यूँ समझो कि अब वो सारी समस्याएं दूर होती नजर आएगी। जीवन में अचानक से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। नौकरी की तलाश में है जो लोग, नौकरी की तलाश अब खत्म होगी, अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी आज के दिन। आज आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, किसी महिला मित्र की सहायता से आपको बड़े प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, फायदा हो सकता है और आज के दिन बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक रहेगा। नया वाहन खरीद सकते हैं, नए चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, तो आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
आज चूंकि सूर्यग्रहण भी लगने जा रहा है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सूर्यग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं, हालांकि हमने कहा कि ये हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये बाहर कई देशों में दिखाई देगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं वहाँ पर दिखाई देगा, और ये एशिया के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा, जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम वगैरह, जापान वगैरह में दिखाई देगा, तो कई देशों में इसका असर होगा, हिंद महासागर में, अंटार्कटिका में दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका जो नियम है सूतक काल के, वो जरूर आप लोगों को मान्य करना पड़ेगा। तो इसलिए नियमों को, कायदे कानून को मानना बहुत जरूरी है। और साथ ही बता दें कि आज कुछ नए फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। आज प्रतियोगी परीक्षा में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से कोई एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। पद पत्नी के बीच संबंध काफी मधुर बने रहेंगे आज के दिन। पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा। आपसी जो तालमेल पहले अच्छे नहीं थे, अब आपसी तालमेल बेहतर होंगे। संतान की प्राप्ति के रूप में आज आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज प्राप्त होगी। आज आपको खुशियां ज्यादा दस्तक देगी। घर परिवार में सपोर्ट मिलेगा। सभी लोगों के साथ आपके संबंध काफी मधुर बने रहेंगे। लंबे समय से जो कार्य आपके नहीं पूरे हो रहे थे, वो कार्य भी पूरे होंगे। कुछ ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जो काफी समय से नहीं बन पा रहे थे। आज आपको कई बड़े चमत्कारिक लाभ भी देखने को मिलेंगे। आज आपके यानी कि जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, अब वो दूर होंगी। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए लाभ देखने को मिलेंगे। आज कोई ऐसा कार्य भी पूरा होगा जो काफी समय से आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, यानी कहा जाए तो आज के दिन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। कई प्रमुख कार्य भी पूरे होंगे, कई प्रमुख यानी कि कार्यों के आप सफलताएं प्राप्त करेंगे। और अभी तक अगर कोई कार्य नहीं पूरा हुआ तो वो भी कार्य पूरा होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, तो आज के दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज भाग दौड़ में व्यस्त रहेंगे। कामकाज के सिलसिले से आप बाहर जा सकते हैं। साथ ही साथ बता दें कि अवैध जातियों के विवाह के योग्य रिश्ते तय होंगे। घर में खुशियां रहेंगे और आज प्रेम जीवन में भी खुशियां रहेंगी। स्टूडेंट के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन आज प्रेम जीवन में भी आज खुशियां लौट कर आएंगी। आपसी जो तालमेल नहीं अच्छा था, तो आपसी तालमेल अच्छा होगा। एक दूसरे का सहयोग सपोर्ट प्राप्त होगा। काफ़ी लंबे समय से कार्य अगर नहीं पूरा हो रहा था, तो कार्य भी पूरा होगा। तो यूँ मान के चलिए कि आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, खूबसूरत रहेगा। कई बड़े अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे और आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो आज आप खुशियां ज़्यादा दस्तक देगी आपको और कई बड़े लाभ भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बता दें कि आज बड़े भाई बहनों का सहयोग, माता पिता के सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार के लिए बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर होगा। वित्तीय मामलों में काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी। आज कोई लिखा पढ़ी का मामला अगर पहले से नहीं सुलझा था, तो सोच विचार कर और देख परख कर ही आप साइन करें। और आज किसी को उधार कर्जा न दें, एग्रेसिव ना रहें और आज किसी के साथ यानी कि विवाद भी ना करें। साथ ही तालमेल को बेहतर बनाए रखें। आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर बैगनी कलर। भाग साथ निभा रहा आपका तकरीबन 80%। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।